नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्र। आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। आई शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। परेशान होकर सहारनपुर के सत्संग भवन से लखनऊ के लिए पैदल क्यों चले दंपत्ति, आइए आपको सुनाते हैं उनकी आप बीती। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचे। आपको बता दें कि सहारनपुर के सरसावा पिलक ने स्थित सत्संग भवन से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल आदि जगह से आए प्रवासियों को बस द्वारा उनके गृह जनपद तक छोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं मंगलवार की सुबह पिलक ने सत्संग भवन से एक दंपत्ति अपने बच्चे को लेकर पैदल सहारनपुर की ओर जा रहे थे, जहाँ मौके पर पहुँचे हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और उनकी पूरी स्थिति जानी। आइए आपको सुनाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ से आए हो? सर, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, लुधियाना से आ रहा हूँ। सर, आपकी पत्नी साथ में है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहाँ सरसावा के सत्संग भवन पे नहीं पहुँचे? पहुँचा था सर, यहाँ 4-5 दिन रुका था, उसके बाद पास भी बनाए, मेडिकल भी बनाए, कई बार स्टेशन तक ले जाते हैं, उसके बाद वापस छोड़ देते हैं, कहते हैं भीड़ ज़्यादा है। और यहाँ के अधिकारियों से बात किया, पुलिस वालों से बात किया तो सुनते ही नहीं, कहते हैं दूर जाओ नहीं थप्पड़ मार देंगे, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब देखेंगे। सर, मैं उनको कई बार बोला, मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं 1 हफ्ते पहले निकला था लुधियाना से, अगर ये छोटा बच्चा है इसकी हालत आप देख लीजिए सर कैसी हो गई है, अगर इस कल को कोई बात हो जाए रास्ते में तो मेरा बच्चा आप वापस दे पाएंगे? इसीलिए सर मैं दुखी हो गया और मैं पैदल जाने के लिए सोच लिया। अब सर मेरे को भरोसा नहीं रह गया यहाँ के कानून पर और ना यहाँ के नेताओं पर, गरीबों का खून चूसते हैं सर, अब हम पैदल ही चले जाएंगे और मेरे कुछ नहीं चाहिए सर। 5 दिन से आपको कोई मदद नहीं मिल पाई? मदद सर मैं कई बार बोला कि मेरे को घर छोड़ दो या मेरी बच्चे को ही छोड़ दो, मैं साइकिल से ही चलाऊंगा, अधिकारी सुनते ही नहीं, कहते हैं जाओ बैठ जाओ, जब आपका नंबर आएगा तब बताएंगे। हजारों प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने के लिए आज फिर रवाना की गई दर्जनों बसें। विभिन्न राज्यों से हरियाणा सीमा से होकर सहारनपुर पहुंचे हजारों प्रवासी श्रमिकों को मंगलवार को भी बसों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार बॉर्डर, बरेली, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, अमरोहा, संभल, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं आदि विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। इन श्रमिकों को बसों में बैठाने से पूर्व सभी बसों को नगर निगम द्वारा सैनिटाइज कराया गया। इस दौरान मेयर संजीव वालिया तुरंत निगम गैराज पहुंचे और अपर जिलाधिकारी से वार्ता कर सभी प्रवासियों को राधा स्वामी सत्संग भवन शेल्टर होम तक पहुंचाया गया। रामपुर मनिहारन के एक गांव के एक जंगल में महिला का शव पाया गया, जिसके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिस संबंध में SPCT विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बालिका रहने वाली सदर बाजार क्षेत्र की है, जिनकी माता की पहचान एक गांव बरेली से एक व्यक्ति के साथ थी। बताया गया कि किसी बहाने से इनको बेटा स्कॉलरशिप वगैरह आपके देने में मदद कर देंगे, ये करके माँ और बेटी दोनों को बुलाया था। बाद में जानकारी हुई है कि इसकी माता की जो है मृत्यु हुई है और सपरेडी गांव के पास ही एक खेत में उनका शव मिला है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम के रिजल्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों का पता चलेगा। जो जिन व्यक्तियों पर संदेह है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनको जो है पुलिस ने अभी इंटरोगेशन के लिए जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। तहरीर आ रही है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सदर बाजार पुलिस ने कैसे की मजदूरों व जरूरतमंदों की सहायता, ये आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर से पैदल चलकर आए करीब 2 दर्जन प्रवासियों श्रमिकों को कोतवाली सदर बाजार के चौकी कैंप इंचार्ज KP सिंह, कांस्टेबल दीपक व मुकेश ने निजी वाहन द्वारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास भिजवाया। इस दौरान मजदूरों ने बताया कि वे मुजफ्फरनगर से पैदल आ रहे हैं, उन्हें यमुनानगर जाना है जहाँ उनका स्थायी ठिकाना है। खास बात यह है कि मजदूरों में करीब दर्जन भर से ज्यादा छोटे बच्चे भी मौजूद थे। शादी के सीजन में सफाई कर्मियों को पहनाई गई फूलों व नोटों की माला।
इस साल के शादी के सीजन में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा कोरोना क्रम योद्धा दिखाई दे रहे हैं। शादी के जोड़ों से ज्यादा मालाएं इन्हीं लोगों को पहनाई जा रही है, जिस क्रम में आज वार्ड नंबर 14 के पार्षद कुशल पठानिया के नेतृत्व में नगर निगम की टीम व सफाई कर्मी कोरोना योद्धा पुलिस कर्मी का सम्मान करते हुए मेयर संजीव वालिया, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, युवा मोर्चा महानगर मंत्री रितिका शर्मा, वरिष्ठ नेता प्रदीप नैनवाल ने नोटों की माला व पुष्प की माला पहनाकर इन लोगों को सम्मानित किया। खाद्य विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, कुतुबशहर पुलिस की मदद से पकड़ी नकली दूध की खेप। जानकारी के अनुसार गंगो से मारुति कार में सैकड़ों लीटर नकली दूध सहारनपुर सप्लाई किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर थाना कुतुबशहर इलाके के मानक माऊ पुलिस चौकी पर नकली दूध के साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। गागलेड़ी पुलिस ने 3 वांछित अभियुक्तों को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गागलेड़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त देशराज उर्फ देशो पुत्र शंकर निवासी ग्राम सैयद माजरा व अभियुक्त पंकज उर्फ काका पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम सैयद माजरा को मैं 2 लीटर शराब खाम व 1 बोतल लहन तथा शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा है।